हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। आज मैं मतलब रात से शुरुआत करती हूँ और आज हमारे यहाँ बन रहा है मेथी के पराठे। पहली बार मतलब मैं पहली बार बना रही हूँ मेथी के पराठे अपनी दोस्त के साथ मिलके, और वो अपनी मम्मी से पूछ रही है कि कैसे बनाना है। तो यहाँ मैं मेथी काट रही हूँ, ये मेथी है, वो रहा दही और आटे। तो अभी हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोग कैसे मेथी के पराठे बनाते हैं, पहली बार हम लोग बना रहे हैं, और जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ पहली बार खाने के लिए, मतलब अपने हाथों का बनाया हुआ। वैसे तो खाते रहते हैं बट अपने हाथ का पहली बार खाऊंगी मैं। तो मैं पहले अपना ये काम पूरा करती हूँ। बढ़िया, और इतने सारे कचड़े निकले हैं, ये पूरा घास डाला हुआ था, पता नहीं हम लोग को क्यों पागल बनाया। सुबह वो काफ़ी फ्रेश था तो अभी थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब पुराना मुरझा गया है, इसके पानी वानी निकल गए हैं। और मैं आज का न्यूज़पेपर ऐसे बिखेर के कर रही हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर तो अब मेरे से पढ़ना हो नहीं रहा है, मैं बंद करा दूँगी सोच रही हूँ। और देख रहे, ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हूँ क्योंकि ठंडी अभी भी है, अभी भी काफ़ी ठंडी है भिलाई में। तो मैं ये कर ली हूँ, और पहले मैं ना मेथी थोड़ा बड़ा काट लिया था तो इसको और छोटा छोटा बारीक करूँगी। पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया था कैसे करना था, तो मैं बड़ा काट ली, अब इसको छोटा करती हूँ। और ये रहा मूँगफली, काफ़ी महंगा है भाई, यहाँ 50 रुपये किलो मेरी दोस्त लेके आई है, मैं थोड़ा टक्का लेती हूँ। वैसे ये काफ़ी मज़ा आता है खाने में, मतलब टाइम पास हो जाता है और अच्छा भी होता है। और ये भुना हुआ है ना, इसलिए और टेस्टी लग रहा है मस्त। थोड़े नमक और मिर्ची के साथ खाने के साथ तो और ही क्या ही बोलेंगे, है ना। 50 रुपये पाव है हाँ, तो 200 रुपये किलो है, मतलब तो बहुत महंगा है। चलो ठीक है, अब ले आए हैं तो खा ही लेते। भी डाल रहे हैं धनिया, इसको धनिया को इसने बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया बेचारा, और ये धुल गया है। अब इसी में आटा गुनेगा। ये रहा आटा, आधा किलो आटा लेके आई है मेरे दोस्त, और मुझे आटा गुनने नहीं आता, मैं बस बेलने जाती हूँ, और बहुत बेहतरीन बेलती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी रोटी दिखाया है, बहुत अच्छा बेलती हूँ मैं। तो बेलने का काम मेरा है, सीखेगी मेरी दोस्त, और आटा वो ही गुनेगी। और फिर हमेशा की तरह फिर से किचन गंदा होना शुरू हो गया है। यहाँ कपड़े बोलती हूँ, बर्तन रखे हुए हैं, धुल गया। अब इसको काटते हैं हम लोग फटाक से। तो प्याज भी नहीं काटने आता, इतना छोटा छोटा बारीक है, लोग काफी बारीक काटते हैं, मेरे से नहीं होता ये पूरा। नहीं भाई, इतना आटा खाते खाते हम लोग मर जाएंगे, आधा किलो आटा नहीं खा पाएंगे। गया आटा, आटा थोड़ा गीला हो गया था तो इसमें हम लोग और आटा डाल के टाइट कर रहे हैं, क्योंकि इसको बेलने में बड़ा दिक्कत होगा भाई। फाइनली इतने दिनों, मतलब महीने भर बाद शायद हमारे घर में रोटी बन रहा है पराठे। और ये बेलन चौकी तो तरस गया था भाई कि कब कब मेरे घर में रोटी बने, आज इसका उद्घाटन हो ही गया। और ये तवा चढ़ा चुकी हूँ मैं, अभी गैस ऑन करूँगी, उसके बाद फिर बेलना शुरू करूँगी। मेरी दोस्त कहीं बाहर गई है, उसका वेट करते हैं क्योंकि फिर नया वीडियो कौन बनाएगा। स्टैंड मैं किचन में रख नहीं सकती क्योंकि हमारा किचन काफ़ी छोटा है, डस्टबिन ना देखें क्योंकि काफ़ी कचड़े भरे हुए हैं। पता नहीं हमारे घर में ना कचड़ा बहुत जल्दी भरता है, बहुत ही जल्दी भाई, एक दिन में एक बकेट पूरा कचड़ा निकल जाता। पता नहीं क्या करते हम लोग, समझ नहीं आता कचड़े कहाँ से आते हैं। ओके, तवा चढ़ चुका है पैन, और मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ। थोड़ा आटा गीला था बट चल जाएगा, थोड़ा गीला लग रहा है, पता नहीं ये अच्छे से बिल पाएगा कि नहीं, मैं कोशिश करूंगी। वैसे पूरा काफ़ी, मतलब देखिए थोड़ा गीला है, चिपक रहा है हाथ में, थोड़े आटे डाल के देखती हूँ, ट्राई करती हूँ ठीक हो जाए। तो मैं बेलना शुरू करती हूँ, और ये मैं इसको गोल करती हूँ, थोड़ा सा ढीला है ये तो देख लूँगी, थोड़ा आटा डाल के। और एक ऑलरेडी यहाँ पे है, क्योंकि ना ये मैं आपको दिखाना नहीं चाह रही थी, अगर गड़बड़ हो जाता मेरे से तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि पहले ट्राई करती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बेल रही हूँ। इसमें थोड़ा आटा ना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये थोड़ा ढीला हो गया है, इसमें आटे की ज़रूरत है, चिपक रहा है नीचे। बाकी तेल डाल के करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, हमारे पास घी है नहीं तो तेल से ही बना के खाएंगे हम लोग पराठे। इसमें प्याज भी डला हुआ है ना, इसलिए ज़्यादा प्रेशर जा रहा है तो फट जा रहा है, देखिए ये फट गया थोड़ा। बन गया है ये लास्ट पराठा है, और वो काफ़ी सारे पराठे बन गए, तो थोड़ा बचा हुआ था तो हम लोग रख दिए हैं। और किचन का हालत देख लो,
पूरा किचन ना भसड़ मच जाता है। हम लोग जब भी किचन में आते हैं ना, किचन की ऐसे की तैसी कर देते हैं। और इस किचन को मैं अच्छे से साफ करूंगी, बहुत अच्छे से तो नहीं लेकिन साफ करूंगी, मतलब करूंगी साफ। अब बस ये बिखरे हुए आटे साफ करना है, इसको साइड पर रखती हूँ और आराम से फिर साफ करूंगी इसको मैं। था और ये रही मैं, तो मैं जा रही हूँ ट्राई करने। दही के साथ दो वक्त खाऊंगी भर भर के, और काफ़ी बड़ा बाइट लेके जा रही हूँ क्योंकि चाहिए। आप लोग भी ट्राई करना घर पे, बहुत अच्छी कुक तो नहीं लेकिन हम लोग अच्छे कुक हैं। पराठे भी बहुत गोल नहीं लेकिन बना हुआ है, बहुत अच्छा है, मैं अच्छा बेलती हूँ। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करिएगा और बस खाने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मेरा हो गया डिनर आज का, काफ़ी अच्छा डिनर था। दही खाई हूँ इसलिए थोड़ा सर में दर्द हो रहा है क्योंकि रात का टाइम है, तो शायद मेरे को लग रहा है कि पहले तो मेरा सर दर्द हो ही रहा था बट अब दही खा ली हूँ तो शायद थोड़ा और ठंडा हो गया है। खैर कोई नहीं, सर्दी हो जाएगा तो दवाई खा ही लेंगे। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, सुबह मैं पढ़ी नहीं क्योंकि काफ़ी लेट उठी थी, तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ उसके बाद फिर सो जाऊँगी। तो फिर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, बाय बाय। पानी भी पानी।